ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं नेता विपक्ष विकास गोयल। उनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए आए हैं और बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका इन सब पर क्या कहना है। विकास जी, पहले बात तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम ये जानना चाहेंगे कि जो रेवेन्यू जनरेट करने का जो तरीका है निगम के पास, वो क्या क्या है? देखिए, रेवेन्यू जनरेट करने के निगम के पास अपने बहुत तरीके हैं। हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स है, पार्किंग है, एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद और से बहुत से प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं। सिविक सेंटर से किराया लेते हैं, इनकम टैक्स से किराया आता है और काफ़ी है। अगर ये करें तो लाइसेंसिंग, फैक्ट्री लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे हम पहले की अगर बात करें तो आपने स्टैंडिंग कमेटी में कई बार जो एडवर्टीजमेंट का मुद्दा बहुत बार उठाया है, क्या गड़बड़ियाँ आपको उस एरिया में नज़र आती हैं कि एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा? क्योंकि इतनी सारी जगह होने के बाद भी अगर रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है तो क्या कहाँ पर कमी लगती है आपको? देखिए, 14 साल से भारतीय जनता पार्टी निगम में शासन कर रही है और इन 14 साल के उनके शासन का ये नतीजा है कि MCD इतनी पंगु हो चुकी है कि 5-5 महीने अपने सैलरी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही। 2015 के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने उनके पैसे नहीं मिल पा रहे। तो ये सब जो 14 साल में उनका भ्रष्टाचार और निकम्मेपन का नतीजा है। रेवेन्यू इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि हर जगह करप्शन है। आप इससे समझ सकते हैं कि 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, आज 2020 में उन्होंने अपना, उस टाइम जब बजट 28,000 करोड़ था जब 2015 में सरकार बनी, आज 2020 में दिल्ली सरकार ने अपना बजट डबल से ज़्यादा कर लिया, 60,000 करोड़ के पास। ट्राइफिकेशन के टाइम 2012-13 में MCD का बजट जो था और आज जो बजट है, अपना बजट में 5% भी बढ़ोतरी नहीं कर पाई। तो इसी आंकड़े से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार है। लगातार BJP यही राग अलाप रही है कि जो आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार है वो निगम का पैसा नहीं दे रही है, इसलिए ना तो जो कर्मचारी है उनका वेतन दिया जा रहा है, ना ही जो काम है वो सुचारू रूप से चल पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार को जो निगम के टैक्स का हिस्सा देना होता है वो टाइमली दे रही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अभी कोरोना टाइम में हुआ हो तो अलग बात है, नहीं टाइमली वो सारा पैसा दे रही है निगम अपना, निगम को अपना। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है कि जो हाउस टैक्स के पैसे हैं, जो इसके एडवर्टाइजमेंट के पैसे हैं, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स के पैसे हैं, पार्किंग के पैसे हैं, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये सब पैसा कहाँ जा रहा है जो 5-5 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही? और उससे बड़ा सवाल है कि आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम को साउथ दिल्ली नगर निगम से 1,815 करोड़ रुपये लेने सिविक सेंटर के किराए और यूज़ के, और आज दोनों जगह कमिश्नर साहब एक ही हैं। कमिश्नर साहब एक तरफ लेटर लिखते हैं कि दिल्ली सरकार से पेमेंट लेट आ रही है, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे 1,815 करोड़ रुपये दे दीजिए, हमारी सैलरी का मुद्दा ही सुलझ जाएगा। क्या इतनी देर क्यों लग रही है कि अगर साउथ की बात करें, आपने कहा कमिश्नर एक है, उसके बाद भी देर लग रही है? अगर वो चाहें तो एक मिनट में इस चीज़ का फैसला हो सकता है, पैसे आ सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं, तो देरी किस बात की हो रही है? तो यही तो बात है ना, ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामेबाजी हो रही है। तनख्वाह नहीं देनी, जानबूझ के केजरीवाल जी को दोषी ठहराना, जानबूझ के एक राजनीतिक बाजी हो रही है, काम करने की इच्छा है नहीं। आप देखिए, 14 साल में एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के नाश के, हमने 14 साल में एक भी ऐसा काम किया है। आज उनके पास ले देकर सिर्फ एक ही बहाना बचा है हर जगह की, दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही। दिल्ली सरकार जैसे बच्चे रोते हैं वैसे रोते रहते हैं, उनके अलावा और कोई बहाना नहीं है। अब जब सब अरविंद केजरीवाल जी को सब करना है, काम भी उन्हें करवाना है, तनख्वाह भी उन्हें देनी है, तो छोड़ दीजिए, MCD भी चला लेंगे। JP जिसे हमारी बात हुई थी महापौर से, उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें दिल्ली का पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि PWD के नालों की गाद वो बाहर घेर देते हैं। PWD गंदगी करती है लेकिन उसकी सफाई नहीं करती, और यही एक वजह है कि निगम लगातार विफल हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ का ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ा है, इसको किस तरह से आप डिफेंस करेंगे? उनके नारों पर मुझे हंसी आती है। आज दिल्ली में 98% नाले MCD के पास है और इस तरह की बचकानी बातें करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बड़ी हंसी की बात है, इस पर कुछ नहीं कहूँगा, ये बड़ी हंसी की बात है। ये थे हमारे साथ विकास गोयल जी। ऐसी तमाम मुद्दे हम इनके पास लेकर आते ही रहेंगे और इनका पक्ष जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिंपल भारद्वाज, नमस्कार।